हम सबने यार ज़िंदगी में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और बहुत सारी लड़ाइयाँ हम हारे भी हैं, बहुत सी जीते भी हैं। क्योंकि लाइफ का यार पर्पस देखो कि मैंने कुछ शुरू किया था तो वो क्यों शुरू किया था, ऐसा क्यों किया है। और मैं बता रहा हूँ कि कुछ भी शुरू करने के लिए आपको हमेशा शुरुआत से शुरू करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, बस एक इच्छा लगती है, एक विल पावर लगती है। आप ज़िंदगी में कुछ भी आपके साथ हुआ हो आप हमेशा उस काम को दोबारा से शुरू कर सकते हैं। बस कितना भी बुरा हालात कितने भी बुरे हो आप हमेशा आपके पास एक मौका होता है, आपके पास एक सेकेंड चांस होता है, आप पुरानी की गई गलतियों को सुधार सकते हो। और हो सकता है आपको ये बात टफ लगे या अभी समझ नहीं आए, लेकिन एक समय के बाद आपको समझ में आ जाएगी कि चीज़ें कितनी भी बुरी हों आप उनको दोबारा से सुधार सकते हैं, तो चीज़ों को सही कर सकते हैं। और आज मेरे खुद के फिटनेस चैलेंज का 21वां दिन है और मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैंने जंक फूड नहीं खाया, मैंने खुद से तो नहीं खरीदा, एटलीस्ट एक आध बार जिसने खिलाया जो भी चीज़ें हुई उतना किया है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। 21 दिन हो गए हैं और जिम भी लगातार जा रहा हूँ, मैंने स्किप नहीं किया है, तो कोशिश करिए आपसे भी होगा यार, बस एक बार ट्राई करो अपने आप को। हम क्या ना कि हम अपने आप को अपनी लिमिट्स को बांध दे रहे हैं, हमें लग रहा है कि यार हम ये कर नहीं पाएंगे, हम अपने दिमाग में ही एक बाउंड्री सेट किए हुए हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, ये हम नहीं कर सकते, ये हमारे लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। तो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना, आपको ओपन होना होगा, लोगों से मिलना होगा, बात करना होगा, उनको समझना होगा कि क्या चीज़ें चल रही हैं क्या नहीं चल रही हैं। आपको थोड़ा सा एरोगेंस अपना ईगो को साइड में रखना होगा, तो आपको लर्निंग नेचर करना होगा। जैसे बच्चे हर बात में क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे लोगों से क्वेश्चन पूछने होंगे। और अपनी मासूमियत को जिंदा रखिए यार, ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है सबकी लाइफ में आजकल बहुत भसड़ चल रही है, मुझे करिए, कोशिश नहीं करेंगे तो चेंज कैसे होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।